उन्होंने न कभी सियासत की और न ही कभी सियासत में आने का सोचा था। परिवार का दूर दूर तक राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं रहा, मगर कुछ संयोग ऐसे बने और बनते चले गए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट से उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिला और पहली दफा ही उन्हें लोगों ने स्वीकार किया और सिर पर जीत का ताज रख दिया। नमस्कार, मैं स्वर्णता आज बैलेट बॉक्स इंडिया की पहल राजनीतिक नवप्रवर्तकों की तलाश में आज हमारे साथ हैं लखनऊ पश्चिम के पूर्व विधायक मोहम्मद रेहान। 2012 से इन्होंने राजनीति की शुरुआत की और सीधे समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़े और जीते भी। इनके किए गए कार्यों ने लोगों के बीच इनकी अलग पहचान बना दी। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की आंधी होने के बावजूद वो महज कुछ हजार वोटों से चुनाव हार गए, मगर लोगों के बीच इनकी पकड़ आज भी उतनी ही मजबूत। तो आइए सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। मोहम्मद रेहान जी, बैलेट बॉक्स इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारा सबसे पहला प्रश्न आपसे कि आप अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं, शिक्षा, अनुभव, अपने परिवार के बारे में हमको। मैं मोहम्मद रेहान, अब पूर्व विधायक लखनऊ पश्चिम समाजवादी पार्टी। मैंने अपनी शिक्षा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ली और उसके बाद अपने कारोबार में आ गया, बिजनेस करने लगा, बिल्डर का काम किया। और हमारी फैमिली का क्योंकि जिम्मेदारी रही 1972 में, जब जिम्मेदारी सिस्टम ख़त्म हुआ तो हमारी फैमिली सब जॉब में थी। हमारे फादर भी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, लेकिन डेपोटेशन पर अलीगढ़ गए थे रजिस्ट्रार होकर यूनिवर्सिटी में, वहीं उनकी डेथ हो गई। उसके बाद हम लोग अपने भाई बहन पढ़ के वहाँ से अपने अपने लाइफ में आगे चलते चले गए। मैं पढ़ने के बाद ग्रेजुएशन और एमबीए करने के बाद मैंने बिल्डर का काम शुरू किया, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया और लखनऊ से शुरुआत करके कई हिंदुस्तान के कई हिस्सों में और हिंदुस्तान के बाहर कई मुल्कों में काम करा। 2012 में मुझको 2011 कहिए 2011 में मुझको समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी को देखकर मुझे लगा कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी से लोगों के साथ जुड़ना चाहिए और उन्होंने मुझको समाजवादी पार्टी से टिकट दिया। 2012 में प्रत्याशी हुआ और लोगों की मोहब्बत से और लोगों के सहयोग से मैं विधायक बना। और पॉलिटिक्स क्योंकि हमारे ख़ानदान की पृष्ठभूमि में नहीं थी, हम में से किसी आदमी ने कभी पॉलिटिक्स के बारे में सोचा भी नहीं था। यूनिवर्सिटी में हमेशा बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन कभी खुद चुनाव लड़ने के बारे में नहीं सोचा और कभी खुद पॉलिटिक्स करेंगे कभी सोचा नहीं था। लेकिन हमेशा लोगों को लड़ाया क्योंकि बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे, कई लोगों को नेता बनाने में हर तरीके से मदद करते थे, ये सब चीज़ें तो करी, लेकिन खुद कभी पॉलिटिक्स में आने के बारे में नहीं सोचा था। ये कह सकते हैं कि मैं पॉलिटिक्स में बाय डिफ़ॉल्ट आया और लेकिन अब आ गया हूँ तो मैं इस प्रोफेशन को बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ, क्योंकि यही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें अगर आदमी को काम करने का मौका मिलता है और उसका एरिया ऑफ वर्क बहुत बढ़ जाता है। हम और आप जब तक हम बिजनेस में थे हम दुनिया भर में काम कर रहे थे, लेकिन हमारी एक छोटा सा एरिया था जहाँ पे हम लोगों की मदद कर पाते थे जी। और उस चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश में आज की डेट में क्योंकि 4.25 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी है और यहाँ पुराने लखनऊ में आकर विधायक बनने के बाद मालूम चला कि बुनियादी परेशानियाँ लोगों की क्या हैं, जो हमने कभी अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं सोचा हो कि लोग 400-500 रुपये के लिए किसी के दरवाजे जाते होंगे, पेंशन के लिए दौड़ते होंगे। तो मैं इस पॉलिटिक्स में आने के बाद मैंने बहुत ड्रास्टिक चेंज अपने अंदर भी देखा और मुझको मौका मिला अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करने का, जो कि खुद में एक मुझे मेरे अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और जो क्षेत्र में चेंज हुआ वो तो चेंज हुआ ही हुआ, लेकिन पॉलिटिक्स में आने के बाद, काम करने के बाद, मैं आज की डेट में समझता हूँ कि इट वॉज़ अ गुड थिंग कि मैंने आगे एक अच्छा स्टेप लिया और पॉलिटिक्स में आने के बाद काम करा। और आज भी मेरी सोच है कि बहुत सी चीज़ें अभी अधूरी, 5 साल काम करा, बहुत चीज़ें करी, यानी बहुत सी चीज़ें अधूरी हैं जो आने वाले वक्त में की जाएंगी। और इसलिए और ज़्यादा उम्मीद है कि एक बहुत विजनरी
हमारे मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जी और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की लीडरशिप में काम करने का मौका मिल रहा है और उनकी सोच को अपनी सोच से जोड़ते हुए वो चीज़ें काम करने का मौका मिल रहा है जो आम लोगों की सोचों में नहीं थी। तो मैं अपने आप को बहुत सुशिक्षित समझता हूँ कि मैं विधायक था और पूर्व विधायक हूँ और राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी का एक मजबूत सिपाही और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ कदम से कदम मिलाने की चलने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि राजनीति में आए हुए आपको महज 5 से 6 वर्ष ही हुए हैं, तो वो पहला अनुभव हमें बताएं कैसा था? जब मुझे कहा गया समाजवादी पार्टी से कि आपको चुनाव लड़ने के लिए जाके क्षेत्र में मिलिए, लोगों से जुड़िए, तो मैं बड़ा नर्वस था क्योंकि मैं कभी बहुत ज़्यादा लोगों से मिला जुला नहीं था और मेरा बैकग्राउंड, क्योंकि मैं बिल्डर का काम कर रहा था, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे, लिमिटेड लोगों से मैं मिलता जुलता था। लेकिन जब मैं लोगों से मिलने के लिए गया और मैंने घर घर जा कर लोगों से मिला, सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं घर घर गया। 2011 में मुझे कहा गया था कि तुमको समाजवादी पार्टी से पश्चिम से चुनाव लड़ना है और तब के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आदेश पर मैं घर घर जाके लोगों से मिला और अपनी बात और अपनी प्रेजेंस लोगों को फील करे। नर्वस था, इंटरेक्शन पे जब लोगों से मिलता था तो एक वार्मनेस जनरेट होती थी, लोगों के मिलने से एक वार्मनेस पैदा होती थी जो मुझे मोटिवेट करती थी कि मैं कर सकता हूँ। क्योंकि जब मैं आया था तो लोगों ने कहा कि ये बीजेपी की परंपरागत सीट है, यहाँ कभी समाजवादी पार्टी जीत नहीं सकती है और उसके समाजवादी पार्टी के अलावा मैं रेहान हूँ, तो ये भी एक मुश्किल चीज़ थी जीतना। लेकिन इन सारे मिथ्स को तोड़कर ये सब कहने की बातें थी, मैं चुनाव लड़ा और लोगों की मोहब्बत और लोगों की सहयोग से मैं 2012 में विधायक बना और 5 साल मुझको काम करने का मौका मिला और वो 5 साल मुझे लगता है कि मेरे लाइफ के गोल्डन पीरियड में से एक है। जिन 5 सालों में मैंने वो काम किए जो मेरे कहीं ना कहीं दिल को सेटिस्फाई करते, मेरे चीज़ों को, जिन चीज़ों को मैं, जिस चीज़ों के लिए मैं बहुत कोशिशें करता था, लेकिन उन 5 सालों में मैंने वो काम करके देखा और वो काम करने का मौका मिला कि जैसे बच्चों को स्कूल भेजने का, गरीब महिलाओं को पेंशन दिलवाने के लिए, कितने लोगों को इलाज करने का मौका सरकार के जरिए, अपने जरिए लोगों को इलाज कराने का मौका मिला, ये वो चीज़ें थी जिसने कहीं ना कहीं मुझको सेटिस्फाई किया, मुझको एक सुकून दिया कि हाँ मुझे कुछ, मैंने कुछ अचीव किया है पॉलिटिक्स। ताकि बताया कि ये 5 साल का अनुभव आपका बेहतरीन अनुभव में से एक रहा है, आप राजनीति में आए, आपने जो कोशिशें की उससे आपको काफ़ी खुशी मिलती है, मगर ऐसा क्या जो आपने सामाजिक सरोकार की भूमिका जो लगातार निभा रहे थे, आप कारोबार पहले से कर रहे थे और काफ़ी मतलब आपकी कारोबार बहुत देशों में भी फैला हुआ है, तो वैसे में आपने समाज की अगुवाई करने की क्यों सोची? वजह ये थी कि सबसे बड़ी बात ये कि हम बिजनेस करते हुए लोगों के साथ जुड़ते थे तो हमारा इंटरेस्ट रहता था कि हमको अपना चीज़ बेचना है और हमको इससे प्रॉफिट लेना है। ये पहली एक पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम सिर्फ देना की कोशिश करते हैं और 5 साल में एक बार जनता से वोट मांगते हैं, लेकिन 5 साल देने की कोशिश करते हैं। और मैं कहता हूँ कि सरकारों में रहकर, विधायक रहकर, हजारों ऐसी चीज़ें हैं जो मैं जान पाया कि जिनसे एक आम आदमी की मदद हो सकती है, आम आदमी को उसका फ़ायदा पहुँच सकता है। और कोशिश ये रहती है कि पॉलिटिक्स को हम अपना कारोबार ना बनाएं। जिस दिन हम पॉलिटिक्स को कारोबार बना लेंगे उस दिन हमारे साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। जब पॉलिटिक्स हमारे लिए एक सोशल कॉज और एक हमारी, जिसको हम कहते हैं ना कि हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कोई काम करते हैं, तो उसमें हम परफेक्शन लाने की कोशिश करते हैं। और जब मैं पॉलिटिक्स को अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा हूँ तो उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि परफेक्शन रहे। इस दौरान मैंने बहुत ऐसे काम किए और अगुवाई करने की दृष्टि में आया कि दूर से बैठ के हम पॉलिटिशियन को बड़ा बुरा कहते हैं। एक चलन बन गया है कि घर बैठा हुआ आदमी कहता है कि साहब पार्टियाँ चोर हैं, नेता चोर हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर सब चोर हैं तो उसको ठीक करने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। और मैंने उस दौरान अखिलेश यादव जी के अंदर देखा कि उनके उनके विजन को समझा और उनके साथ जुड़ने का मौका मिला। और उन 5 सालों में मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे में मुख्यमंत्री ने वो करके दिखा दिया जो अच्छे अच्छे लोग सोच नहीं सकते हैं। और आज के दौर में उनकी तरफ हिंदुस्तान बड़ी उम्मीदों से देख रहा है कि वो किस आगे किस तरफ चलेंगे। वो एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आने वाले 2019 में नज़र आएगा।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 5 वर्ष आप विधायक लखनऊ पश्चिम के विधायक भी रहे और उस दौरान काफ़ी कार्य किए और लोगों के बीच एक अच्छी पहुंच रखते हैं आप, वैसे में ऐसे कौन से प्रमुख कार्य हैं जो कि आप अपने क्षेत्र के लिए अब भी चाहते हैं कि वो हो या उसको करना चाहेंगे आप? अपने क्षेत्र में 5 सालों के दौरान मैंने करीब 1,000 करोड़ रुपये का काम कराया, जिसमें कई काम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर थे, रोडों को लेकर थे, नालियों को लेकर थे, कई नए नाले बनने के थे, कई ट्रांसफार्मर, सब स्टेशन, नई लाइन्स, इस तरह के साथ साथ कुछ जो महत्वपूर्ण काम थे जो लोगों की उम्मीदों में नहीं थे। ऐसे एक आलमनगर का फ्लाईओवर है जिसके लिए जब मैंने अनाउंस किया था तो लोगों ने मुझसे मना कर दिया था कि विधायक जी बनाओ मत करिए, पिछले 45 साल से हम दिल्ली तक धरना दें ये नहीं बन पाया है। लेकिन हमारी सरकार ने, मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी का और शिवपाल जी का धन्यवाद देता हूँ, उनकी सहयोग से वो फ्लाईओवर बना और हमारे रेजिम में चलने लगा। इसी तरह से राजाजीपुरम में एक अंडरपास था जो एक पूर्व सांसद थे उनका कुछ उन्होंने शिलान्यास करके छोड़ दिया था, जिसको हम लोगों ने फिर 15-20 करोड़ रुपये देकर उसको बनाकर उसका उद्घाटन किया, जिससे लोगों को सहूलियत मिली। इसी तरह से हमने टीबी हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल था जिसका कोई बेहाल पड़ा था, उसको हमने जनरल हॉस्पिटल किया, एक हिस्सा टीबी का कर दिया और एक पूरा जनरल हॉस्पिटल बना दिया, जिससे आम लोगों को उसका फ़ायदा मिलने लगा। ऐसे ही मेरे क्षेत्र में एक यूनानी हॉस्पिटल था जो बहुत पुराना यूनानी हॉस्पिटल है, जिससे कम से कम उसकी ओपीडी में 700-800 आदमी रोज आता था, जिसको बंद करने की पॉलिसी थी, लेकिन उसको हमने कोशिश करके उसको 100 बेड का हॉस्पिटल सरकार से पास कराया और 50 करोड़ रुपये दिलवा कर उसको काम को पूरा कराने के लिए शुरुआत करा दी थी, जिसको अब जाके ख़त्म होने वाला है कि पूरा हो जाएगा इस बात, इस 5-6 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा और वो हॉस्पिटल आज के दिन चल रहा है, जिससे आम लोगों को बड़ा फ़ायदा है। इंटरनल डेवलपमेंट हो विधानसभा का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, इस तरह की बहुत चीज़ें, ट्रांसफार्मर्स को चेंज करा देना, कई 2-2 सब स्टेशन बनवा देना, इस तरह बहुत काम किए। लेकिन अभी कई चीज़ें ऐसी हैं जो मुझको चाहता हूँ मैं क्षेत्र में हूँ। बुनियादी चीज़ है पानी, साफ पीने का पानी लोगों को मिले, इस पर मैं काम कर रहा था और 70-75% हमने इसको अचीव कर लिया था। लेकिन अब जब से सरकार चली गई, हम चले गए, चीज़ें फिर से वो डिटोरिएट हो रही हैं और फिर बैक टू ज़ीरो होता जा रहा है। मेरी कोशिश रहेगी कि सबसे पहले लोगों को मैं पीने का साफ पानी दे सकूँ, लोगों को शिक्षा से जोड़ सकूँ, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपकी तकदीर को बदलने में एक अहम भूमिका निभाती है। अगर आदमी शिक्षित होगा तो उसका विजन बड़ा होगा, उसकी सोचने की क्षमता ज़्यादा होगी और वो चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ सकता होगा। तो मेरी प्रायोरिटी रहे कि शिक्षा, पीने का साफ पानी, महिलाओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, बुजुर्गों के लिए बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था और वो सारी चीज़ें जो ईजिली अवेलेबल हों। सबसे बड़ी बात यह है कि हम आज की डेट में स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा केयरलेस हैं, हम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। इलाज के लिए आज भी आदमी परेशान होता है, छोटे छोटे ऐसी झोला छाप डॉक्टरों के पास जाकर फंस जाता है, जिसमें या प्राइवेट नर्सिंग होम में फंस जाता है, जिसमें 1,00,000 रुपये वो ले लेता है लेकिन उनको इलाज बेहतर नहीं दे पाता है। तो मेरी कोशिश है कि बेहतर स्वास्थ्य दे सके और हम कोई ना कोई इंटर कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज अपने क्षेत्र में एक और खोलना चाहते हैं कि बड़ा गर्ल्स के लिए और बड़ा इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज बने, जिससे लड़कियों को जो दूर जाना पड़ता है वहाँ जाके क्षेत्र के ही पुराने लखनऊ में उनको बेहतर शिक्षा मिल सके। और साथ ही साथ एक हमारे क्षेत्र में बड़ा हिस्सा बुनकरों का है, जिनके लिए हम काम करने के लिए हमने कुछ काम किया था और अपनी बात चाहते हैं कि अगर हम सरकार आई और हम लोग को दोबारा मौका मिला तो इनके हालात पर, क्योंकि ये बहुत ख़राब हालात में, जब से केंद्र सरकार ने एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है वो इसके, तो ये लोग तो भूखमरी की कगार पर आ गए थे। ये तो पिछली सरकार की देन थी कि माननीय अखिलेश यादव जी और नगर विकास मंत्री जी ने ई रिक्शा चलवा कर बहुत से लोगों को सहूलियत का रास्ता दिखा दिया, वरना ये लोग तो भूखमरी से कई लोग बन गए। तो ये कुछ प्रायोरिटीज़ हैं अभी जिनको हम उस पर और काम करेंगे और आने वाले वक्त में जो चीज़ें रह गई इनको और पूरी तरीके से अच्छी तरीके से खत्म किया जाएगा। जी चलिए, ये तो क्षेत्रीय मुद्दे थे, मगर राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो वैसे में आप कौन कौन से मुद्दे देखते हैं जिसे करने की ज़रूरत है, उस पर आपकी राय? राष्ट्रीय मुद्दे इस वक्त तो आप भी जान रहे हैं कि बहुत ख़राब हालात से देश गुजर रहा है। हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज भगवान भरोसे, फॉरेन पॉलिसीज भगवान भरोसे, हम जिन चीज़ों पे
जो एक अच्छे देश को डेवलप करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो कहीं हमको नज़र नहीं आती। आप बताइए, रोज़गार सबसे ज़्यादा बेरोज़गार आज की डेट में हिंदुस्तान में अब है, सबसे ज़्यादा बेरोज़गारों का दुनिया। हमारे करेंसी इतनी डिवेल्यूड हो गई है कि वर्स्ट परफॉर्मर की लिस्ट में रुपीज़ को डाल दिया। हम किस तरफ बढ़ रहे हैं ये हमको सोचना पड़ेगा। हम ने वादे किए थे 2019 में, हमने वादा किया था कि 2014 में कि हम 2 करोड़ रोज़गार साल में देंगे, 4 साल हो गए, 8 करोड़ रोज़गार मिल जाना चाहिए था, मिला कितना, 8 लाख। तो हम कहते थे कि साहब हम हमारी आप जितनी फॉरेन पॉलिसी हालत देखें कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनसे हमारे रिश्ते कितने तल्ख हैं। हम ये नहीं कहते कि आप रिश्ते तल्ख हैं या अच्छे हैं या बुरे, हमारा एक उसूल है होना चाहिए कि हम जिस भाषा में आदमी समझे उस भाषा में जवाब देना चाहिए। यही एक उम्मीद थी मोदी जी को चुनने के लिए लोगों की कि उनकी उस वक्त की बात और तब की मौजूदा सरकार, कांग्रेस के प्रधानमंत्री बोलते नहीं थे और इनके बोलने से लोगों को एक उम्मीद लगी थी कि ये उन देशों को जो हमको दिक्कत पैदा करते हैं उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे, लेकिन बहुत नाउम्मीदी हुई। सबसे ज़्यादा इन 4 सालों में फौजी मरे बॉर्डर पर। सबसे ज़्यादा अफसोस तब हुआ कि जब हमारे प्रधानमंत्री बगैर बताए बगैर इन्विटेशन इस्लामाबाद में लैंड कर जाते हैं, लाहौर पहुँच जाते हैं फिश करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान के, जो कि हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते थे। हमने बड़े ख़राब दौर कांग्रेस के देखे हैं लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि इस हालात में कि हमारा प्राइम मिनिस्टर बगैर अनइनवाइटेड बगैर किसी इंफॉर्मेशन के लैंड कर जाएगा, ये नहीं समझ में आता। कहीं ना कहीं हमारी जो अहंकार था उसको ठेस पहुँची, कहीं ना कहीं जो हमारी उम्मीदें थी उनको ठेस पहुँची। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारा पहला कर्तव्य था कि हम जिन चीज़ों पर चुन के आए उनको हम ठीक करें। हमने कहा था कि साहब महिलाओं पर अत्याचार, अब की बात मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बात मोदी सरकार। आप बताइए क्या अत्याचार उत्तर प्रदेश में, आप देखिए, मैं तो उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, आपके देश में देखिए कि आदमी बलात्कार करता है उसके बाद सरकार के लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं, उनकी उनके सपोर्ट में गवर्नमेंटें खड़ी हो जाती हैं। ये कौन सी तरफ हम बढ़ रहे हैं, किस तरफ हमारा चलन हो रहा है? हम लोगों को इसलिए मार देते हैं कि जिसका बगैर सोचे समझे सिर्फ कुछ शकों पे हम लोगों को मार देते हैं। आदमी की जान इतनी कमज़ोर हो गई है, इतनी सस्ती हो गई है। मैं अमेरिका, मेरा कई बार जाना हुआ, कुछ चीज़ें मुझे अमेरिकन पॉलिसीज जो मुझे पसंद है उसी वजह से पसंद है कि वो अपने सिटीजन्स के लेके बड़े बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहते हैं। उनको उनके सिटीज़न कहीं पे अगर आप सुना हो कहीं कोई ब्लास्ट हो जाता है, कोई अमेरिकन सिटीज़न मर जाता है, तो वो हर तरीके से चाहे उनको उस कंट्री के ऊपर प्रतिबंध लगाना पड़ जाए उस तक हद तक चले जाते हैं। लेकिन हम लोग देखिए, हम लोगों के साथ क्या है कि हम लोग को कोई जवाबदेही नेताओं को फिक्स नहीं कर पाते कि हम पूछें। आज की डेट में आप मुझे बताइए 4 साल हो जाने के बाद भी कोई ये पूछने वाला नहीं है, ना सरकार बताने में तैयार है कि हमने कितना रोज़गार दिया, हमने प्राइस कहाँ से कहाँ आ गए। पेट्रोल 40 रुपये का तो महंगा था, आज 80 रुपये का पेट्रोल है तो क्यों है? GST ने कमर तोड़ दी व्यापारियों। हम कहते हैं GST लगाइए, टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए, लेकिन कम से कम उसका फ़ायदा आम जनता को तो मिलना चाहिए। हमने दुनिया के कई मुल्क देखे हैं जहाँ पर 50% टैक्स है, फिक्स टैक्स है, आपकी सैलरी 50% को काट लेते हैं, लेकिन एजुकेशन, हेल्थ, वो सब सरकार की जिम्मेदारी होती है। मकान है उनको, जो ओल्ड एज लोग हैं उनको पेंशन है। ये मौजूदा सरकार ने देश का तो नाम खराब किया और देश में भी हालात बहुत बुरे करते रहते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि हम फॉरेन पॉलिसीज से परेशान हैं, हम इकोनॉमिक पॉलिसीज से परेशान हैं, हम जॉब से परेशान हैं। हम लोग तो आज के डेट में सोच रहे हैं कि हम क्या करें, हम बिजनेस यहाँ करें, नौकरी मिल नहीं रही है, तो जब अनएम्प्लॉयड यूथ, पढ़ा लिखा यूथ क्या करेगा? वो यही सब करेगा जब जो क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम कंट्रोल के वो लोग कहते थे क्राइम, आज के डेट में क्राइम का ग्राफ बढ़ा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिस पर देश को सोचना पड़ेगा। और मौजूदा सरकार से तो उम्मीद अब कम रह गई क्योंकि 4 साल गुजर चुके हैं, 1 साल अब उनका वो इलेक्शन बोर्ड का प्रोसेस है, अब वो कुछ करने वाले हैं ऐसा उम्मीद तो हमको नहीं। लेकिन हम तो बार बार कहते हैं कि देखिए, हमने 21 महीने में हमारे मुख्यमंत्री ने एक्सप्रेस वे बना के दिखाया, प्रूफ किया। हम उम्मीद करते थे कि साहब 5 साल में कोई ऐसा नई चीज़ उत्तर प्रदेश में आएगी या मौजूदा सरकार जो अब 1 साल 1.5 साल से है ये कुछ ऐसा करेगी, लेकिन सिर्फ पुरानी सरकारों के काम बंद करना और पुरानी सरकारों के किए कामों का दोबारा उद्घाटन करना, वो उत्तर प्रदेश सरकार भी कर रही है और केंद्र सरकार भी कर रही है।
जो काम कांग्रेस शुरू की थे वो उसके केंद्र उद्घाटन कर रही है, हमारी सरकार पिछली अखिलेश यादव जी की सरकार के जो काम थे उनका पुनः उद्घाटन योगी सरकार कर रही है। इसके अलावा कुछ नया काम करने के न ये मूड में है न ही नया काम करना चाहते हैं। आपने अभी पड़ोसी देशों की बात की, पड़ोसी देश से रिश्तों की बात की, तो वैसे में हमारा अगला प्रश्न आपसे कि वैश्विक परिदृश्य में आज भारत को क्या करने की आवश्यकता है, किन किन विषयों पर सोचने की आवश्यकता है? सबसे पहला तो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन जो कि आज की डेट में ठीक नहीं है। आप देखिए कि हमारे देश के जो नेबरिंग कंट्री हैं सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमारे नेबर से हमारे कैसा रिलेशन है। इस वक्त मौजूदा चार सालों में आप देखिए हमारे नेपाल से रिश्ते खराब, हमारे श्रीलंका से रिश्ते खराब, पाकिस्तान से रिश्ते खराब ही रहते हैं, चाइना से रिश्ते खराब, बर्मा और भूटान बैठते हैं, बांग्लादेश बैठते हैं, इसके अलावा नेबरिंग कंट्रीज को बैठता है जिनसे हमारे कोई बहुत कॉर्डियल रिलेशन नहीं है। तो हमको सोचना पड़ेगा कि हमारे स्टैंड्स क्या होने चाहिए, हमारे नेबर्स के साथ हमारे स्टैंड्स क्या होने चाहिए, हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए कि जो हम अपने नेबरिंग से नेबर से रिश्ते ठीक हों और उसके बाद हमारे इंटरनेशनल लेवल पर ठीक हों। कोई प्रधानमंत्री कोई राष्ट्रपति आ जाए हम उसको एयरपोर्ट पर रिसीव कर लें प्रोटोकॉल तोड़ के, हम उसको झूला झुला दें, हम उसको चाय पिला दें, ये देखने में तो अच्छा लग सकता है लेकिन कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसीज को ख़त्म कर रहा है, हमारा बिजनेस इफेक्ट हो रहा है। हमने FDI को परमिट कर दिया कि 99% तक आप इंडिया में आ जाइए, तो कहीं ना कहीं हम एक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह का फिर मौका दे रहे हैं। जो लोकल कारोबारी है वो ख़त्म होता चला जा रहा है। जो आप सोचिए चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है लेकिन वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है मज़हब की चीज़ें बनाने से, चाहे वो मूर्तियाँ हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे तस्वीर हो, चाहे इस तरह की चीज़ों को बेच कर सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है। तो जो कारोबारी हमारे जो मूर्तिकार यहाँ मूर्ति बनाया करते थे आज के डेट बना के घूमते। मैं पिछली बार विधानसभा में बोलना था मुझको, तो जो शैंडिलियर हमारा फिरोजाबाद में आए जो लोग बनाते हैं जितनी उसकी कॉस्ट आती है टैक्स के बाद उतने में चाइना आके बॉम्बे बेच के वापस आ जाता है, तो सोचिए कितना फर्क आ रहा है। तो हम अपने ट्रेडर्स को अपनी बिजनेस कम्युनिटी को अपने उनको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, उनको हम मदद नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ दो तीन बड़े घरानों को मदद कर रहे हैं जिनके सहारे आज की मुल्क की हालत ये हो गई कि बैंकिंग सिस्टम क्रश कर गया। डीमोनेटाइजेशन ने, मैं बार बार कहता हूँ कि डीमोनेटाइजेशन एक बड़ा स्कैम साबित होगा और आने में आप देखिए कि अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि पेटीएम के मामले में जो एक कोबरा पोस्ट ने डिस्क्लोज किया है कि वो सारी चीज़ें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को जाके जाती थी, शेयर होती थी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आप मुझे बताइए कि कौन पूछे के साथ 15 लाख करोड़ करेंसी थी, 15 लाख करोड़ जमा हो गई। अब ये सरकार से कौन पूछे कि जो 6 महीने बैंकों में सारा पैसा नहीं जमा हो गया, बैंकों के जो खर्चे हैं वो कौन उठाएगा? जब सारा पैसा RBI में वापस जमा हो गया, किसी बैंक के पास कोई पैसा नहीं है, तो उनको जो इंटरेस्ट मिलता था जो एक तरीका होता है बैंकिंग का, तो वो अपने ओवरहेड अपने खर्चे कैसे रहे? कई बैंक कगार पर बंद होने की, कई बैंकों की हालत ये कि वो बंद होने की कगार पर है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त बंद हो जाएंगे। ये वो सारी चीज़ें हैं। आप पहली बार मैं सुनता हूँ कि 15,000 करोड़ के डेफिसिट में, 20,000 करोड़, 21,000 करोड़ के डेफिसिट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था कट रहा। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो हमको कहीं ना कहीं डर महसूस कराती हैं क्योंकि हम देख रहे हैं, क्योंकि हम कई नज़रिए से देखते हैं चीज़ों को, कारोबार के नज़रिए से भी देखते हैं, पॉलिटिक्स के नज़रिए से भी देखते हैं। खाली हम ये कह देने से कि साहब 70 साल में कुछ नहीं हुआ, हमने 4 साल में सब कर दिया, ये सब बातें देश को कहीं ना कहीं पीछे ले जा रही हैं। और हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर हमारे रिलेशंस ऐसे होने चाहिए कि अगर हमारा कोई आदमी यहाँ से डिफॉल्ट करके किसी मुल्क में भागता है तो हमको सिर्फ उसके लैंड करते के साथ ही पकड़ के वो कंट्री उसको डिपोर्ट कर दे। भाई UAE के साथ आपका रिलेशन हो गया, कोई आदमी बदमाश जाके UAE में नहीं रह सकता दुबई के अंदर। हमारी यही ट्रीटी यूनाइटेड किंगडम के साथ दी है, लेकिन आप देखिए नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, ये सब के सब लोग जो हैं ये वहाँ जाके रह रहे हैं और आराम से रहते हैं, आराम से घूमते हैं। जो सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊँ कि हम लोग की दिक्कत क्या है कि हम लोग इतने चीज़ों पर काम करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम है कि हम राइट टू एजुकेशन आज इंडिया में हमने 2012 में इम्प्लीमेंट किया, इसका फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा मुझको। मैं तो देखता हूँ कि आज की डेट में 2 लाख स्कूल 4 साल बंद हो गए सरकार, केंद्र सरकार से 4 सालों में 2 लाख स्कूल बंद हो गए। आपका बजट 2.9% आपने टोटल बजट में 2.9% शिक्षा, जो अमूमन 5.4-5.7% होता था टोटल बजट का एजुकेशन पे, वो 2.9 हो गया।
और हम कहते हैं साहब एजुकेशन बड़ा काम कर रहे हैं, तो ये कौन सा काम है ये तो सोचना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज को हैरेसमेंट, यूनिवर्सिटीज को डिफेम करना, चाहे वो JNU हो, चाहे बनारस यूनिवर्सिटी हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे जामिया हो, इन सारी यूनिवर्सिटीज को कहीं ना कहीं डिफेम करने की कोशिश हो रही है। एक पर्टिकुलर एजेंडे के साथ ये काम हो रहा है कि इन यूनिवर्सिटीज़ को जो जो कहीं ना कहीं कंट्री की प्राइड है, आप JNU के पढ़े हुए, आप दुनिया में कहीं चले जाइए, JNU के, AMU के, BHU के लोग आपको दुनिया में, मैं बहुत मुल्कों में जाता रहता हूँ, कभी सरकार में बहुत मुल्कों में, हर जगह आपको BHU, AMU, JNU के लोग मिलते ही मिलते हैं। आप उन यूनिवर्सिटीज़ को अगर डिफेम करेंगे या उनको बंद करने की कोई साजिश करेंगे तो हम आने वाले वक्त को कैसे एक अच्छा माहौल और अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद कैसे कर पाएंगे। तो ये थे आज हमारे साथ मोहम्मद रेहान जी। हम उम्मीद करते हैं कि आप निरंतर इसी तरह से लोगों की मदद करते रहेंगे, आम लोगों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारी तरफ से भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय निकाल के हमारे पास आया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।